हरे कृष्णा। तो आज मैं भगवान को भोग लगाने बैठी तो मुझे एक कथा याद आ गई और मैंने सोचा कि वो कथा बताना बहुत ज़रूरी है और ये समय के अनुसार ही कथा है। तो वो कथा ऐसी थी कि भगवान बहुत छोटे हैं, यशोदा माता और नंद बाबा के घर में भगवान पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तोतली बोली बोल रहे हैं और ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। उन्हीं दिनों एक फल वाली आती है उधर गोकुल में फल बेचने के लिए और जोर जोर से पुकारती है, फल ले लो, फल ले लो, जो भी फलों का नाम था वो सब बोल बोल के पुकार रही थी। तो घर में कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे, यशोदा माता कहीं बिजी होंगी काम में। तो भगवान ने क्या किया, उस समय बार्टर सिस्टम था, अर्थात आप कुछ अनाज या कोई चीज़ देंगे तो उसके बदले आपको दूसरी चीज़ मिल सकती है। तो भगवान गए और थोड़ा सा अनाज, गेहूं, चावल कुछ भी लेके हाथ में आए। उनकी जो मुट्ठी थी वो बहुत छोटी थी क्योंकि उनका हाथ छोटा था, पैर छोटा था, बहुत छोटे थे भगवान, 1 साल के, 1.5 साल के ऐसा कुछ होगा। तो छोटी छोटी मुट्ठी में ऐसे करके उन्होंने गेहूं को लिया। घर से लेकर के जब तक वो फल वाली के पास पहुंचे तब तक उनका हाथ खाली हो गया, सारा गेहूं धीरे 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 गिरता गया गिरता गया। वहां पहुंचते पहुंचते कुछ नहीं बचा, बचा सिर्फ एक दो दाना बचा था। तो उन्होंने जाके हाथ खोल के बोला फल वाली को, ये लो गेहूं और मुझे फल दो, अब तो 2-4 दाना सिर्फ गेहूं बचा होगा। फल वाली ने देखा कि ये तो बच्चा कुछ भी लेकर नहीं आया है, पर इतना क्यूट लग रहे थे भगवान कि फल वाली को उसको देख करके, बच्चे को देख करके लगा कि नहीं, मुझे तो इसको फल देना ही चाहिए, भले ही ये मुझे कुछ दिया हो या नहीं दिया हो, मुझे इसको फल देना है। तो माता ने उनके दोनों दोनों हाथों में फल पकड़ा दिया, जैसे समझिए ये एप्पल है, पकड़ा दिया और फिर भगवान चले गए। माता भी अपना टोकरी उठाकर चली गई। बहुत देर हो गया और वो घर पहुंची, उसके बाद वो घर ही गई। तो घर जब उसने टोकरी को खोला, घर जा करके जो कपड़े से ढका हुआ था, अब उन्होंने पूरा फल दे दिया था भगवान को या 2 फल दिया था ये तो यहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है, पर उसकी टोकरी जो थी फलों से आधी भरी थी या तो थोड़ा फल था, लेकिन जब उसने खोला तो पूरी टोकरी में सिर्फ सिर्फ हीरे जवाहरात, सोना चांदी ये सब पूरा भरा हुआ था टोकरी में। तो ये कथा है श्रीमद् भागवतम की और इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब हम भगवान को कुछ भी देते हैं, कुछ भी जो हमारे पास है शक्ति सामर्थ्य, तो उसके बदले भगवान हमें बहुत कुछ देते हैं। हमें सोच करके नहीं देना है भगवान को कि हम भगवान को देंगे 100 रुपया, 101 का चढ़ावा देंगे, 11 रुपए का चढ़ावा देंगे तो हमको उसके बदले बहुत कुछ मिल जाएगा। जैसे सुदामा जी को मिल गया है ना, 3 मुट्ठी चावल के बदले उनको बहुत कुछ मिल गया, ऐसा नहीं सोचना है। परंतु जो हम कमाते हैं उस कमाई से थोड़ा सा देना है, ऐसा सोचना है कि हमको भगवान को देना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि सैलरी बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, इसमें से अगर हम डोनेशन दे देंगे तो हमारा घट जाएगा, हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि हम जो देते हैं तुरंत भले नहीं मिले पर बाद में वो अवश्य मिलता है। तो ये कथा बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाती हैं। ये भी सिखा रही है कि भगवान का दर्शन करने से वो जो फल वाली माता थी वो पूर्ण शुद्ध हो जाती है, उसके हृदय में बहुत प्रेम जागृत होता है भगवान को देख करके और प्रेमवश वो फल दे देती है। भगवान इतने सुंदर हैं कि ऐसा मुझे अभी तक एक भी उदाहरण नहीं मिला है जो व्यक्ति भगवान को देखकर बहुत खुश नहीं हुआ हो। श्रीमद् भागवतम हो या चैतन्य चरितामृत हो या जो भी शास्त्र हम पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो भगवान के दर्शन से हर व्यक्ति खुश होता है। तो भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अभी जन्माष्टमी है, आज भी कहीं कहीं मनाया जाएगा और कहीं कहीं कल, तो आप सब भगवान का दर्शन करने चाहिए। दर्शन करने से हम पवित्र होते हैं,
हमारा मन खुश होता है और अंदर जो हमारे अंदर जो थोड़ा बहुत कलमश है वो निकल जाता है। दूसरी बात, जो सामर्थ्य हो, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 1,000 रुपया, कुछ न कुछ डालना चाहिए, भगवान के हुंडी में डालना चाहिए। या कोई भक्त आपके पास जाता है रिसीट बुक लेके, तो उसको देना चाहिए। देने से नहीं घटेगा। हमने ये कथा देखी, ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं जिसमें भगवान को व्यक्ति ने दिया है और भगवान ने बाद में उसको उसके बदले बहुत कुछ दिया है। तो देने की भावना से नहीं करना है, बार बार मैं कह रही हूँ, देने की भावना से हमें दान नहीं करना है। दान क्या करेंगे, सब तो भगवान का ही है, तो दान हम करने वाले होते कौन है, हमारे पास क्या है, उनका ही दिया हुआ है। आपने सुना है ना भजन, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चाहे मेरे वर्ड्स सही हो या नहीं हो, पर मीनिंग आप समझ चुके हैं। तो भगवान की कृपा से हमारा सारा काम हो रहा है और करने वाले भगवान हैं। अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो भगवत गीता पे ज्ञान है, और अगर हमें नहीं भी ज्ञान है तो भी सिर्फ इतना सारा विश्वास इतना सा होना चाहिए कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भगवान ही दिए हैं और उनका दिया हुआ ही उसी में से थोड़ा सा हमको देना चाहिए, उसको डोनेशन या दान बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दान तो हम देते हैं उसको जिसका नहीं है, पर ये तो उन्हीं का है, पर उन्हीं का चीज़ उन्हीं को हमें अर्पित करना है। जैसे पिता आपको हर महीने 500 रुपये देते हैं, ठीक है, पॉकेट खर्च, लेकिन लास्ट में पिता के बर्थडे के समय आप उसमें से 500-600 का कुछ गिफ्ट पिता को देते हैं, तो वो पिता का ही था पैसा ना, पर हमने क्या किया, पिता के पैसे से ही पिता को गिफ्ट दिया। पिता बहुत खुश हो गए, अरे मेरा बच्चा मेरे लिए गिफ्ट लाया, सबको बताएंगे, ये टी शर्ट मेरे बेटे ने दिया है, ये टी शर्ट मेरे बेटे ने दिया है, ये पेन मेरे बेटे ने दिया है, सबको बताएंगे वो कि मेरा बेटा मेरे से इतना प्यार करता है कि उसने मुझे गिफ्ट दिया। इसी तरह भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान को कुछ देते हैं, उन्हीं का उनको देते हैं। जैसे गंगा मैया में हम खड़े होते हैं, गंगा मैया का जल उठाते हैं, गंगा मैया में ही डाल देते हैं, ठीक है ना, तो गंगा मैया का जल ही गंगा मैया में डाल दिया, उनको अर्पित कर दिया जब हम कुछ पूजा करते हैं, तो कृष्ण की ही चीज़ है और कृष्ण को ही दे दिए, इसमें हमारा कुछ गया ही नहीं। तो इस भाव से हमें भगवान को देना चाहिए। और इसी कथा से और क्या शिक्षा मिलती है कि भगवान भी बहुत कृपालु हैं और भगवान भी हमें मौका देते हैं कि देखते हैं भगवान की ये रिएक्ट करता है कि नहीं। जैसे भगवान तो बहुत छोटे जब थे तभी उन्होंने पूतना का वध किया, उन्होंने तृणावर्त का वध किया, उन्होंने शकटासुर का वध किया, तो वो अपने हाथ में क्या गेहूं लेकर नहीं जा सकते थे वहाँ, कैसे ये जो गिर गया गेहूं पूरा रास्ते में, ये क्या पॉसिबल है कि भगवान से गिर जाएगा। लेकिन भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि देखो मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, फिर भी तुम मुझे फल देती हो कि नहीं, ये मुझे चेक करना है। और माता भोली भाली थी, माता कृष्ण प्रेम में एकदम डूब गई और उन्होंने भगवान को फल दे दिया। तो भगवान की चीज़ भगवान को हमें देना चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हम शुद्ध होते हैं, हमारा फ्यूचर अच्छा होता है और घटता नहीं है। भगवान को देने से कभी किसी का नहीं घटा है। तो कृपा करके आप जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कल या आज जब मंदिर जाइए तो कुछ ना कुछ वहाँ डालिए। हरि बोल।